काफी कम बचा होगा। 941 हो चुके हैं अभी, रहोगी इसको। गाइस ये होता है नुकसान जब हम एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। बोटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, बोटिंग नहीं, बाथिंग। गाइस यहां हमारे बर्गर्स आ चुके हैं, कैसे हो आप सभी, हो आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं जहां जा रहा हूं आप खुद देख लीजिए, मैं आया हूं के बिरला पार्क जो कि हमारे कठुआ में सिचुएटेड है, जो कि CTM चनाब टेक्सटाइल मिल्स द्वारा बनाया गया है। और मेरे साथ है मेरा दोस्त केशव, तो गाइस चलते हैं अंदर। गाइस देखिए कुछ इस तरह का व्यू है, मैं बैग इधर रख दिए हैं, अभी हम चलते हैं। दोस्तों अभी टाइम 9:25 हो चुका है और ये पार्क बंद हो जाता है 10 बजे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगी। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखिए ये जो मैंने पिछले व्लॉग में ड्रीमलैंड पार्क दिखाया था उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर पार्क है ये। और ये चनाब टेक्सटाइल्स मिल द्वारा जो कि CTM हमारे कठुआ की काफ़ी बड़ी जो मिल है उसके द्वारा बनाया गया है। ज़्यादा तीखी पड़ रही है आज भी, तो इसलिए थोड़ा अच्छा व्यू नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइमिंग ही वैसी है तो क्या कर सकते हैं। बाकी ये देखिए ये पार्क काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में ड्रीमलैंड पार्क दिखाया था जो कि वो भी कठुआ में सिचुएटेड है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे क्लिक करके देख लो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, तो इसका थोड़ा टाइमिंग का चक्कर है, 10 बजे तक की सुबह के 10 बजे तक क्या आ सकते हैं हम, और शाम को ये 3 बजे के बाद खुलता है, तो पूरा दिन हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर फिर इसकी मेन, इतना बड़ा पार्क है तो इसकी मेंटेनेंस के लिए भी इनको टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए इन्होंने उसी हिसाब से टाइमिंग रखी है। पर गाइस ये काफ़ी सुंदर पार्क है, हमारे कठुआ में पहले ऐसा पार्क नहीं था, तो मतलब जब से ये बना है आई थिंक 1-2 साल हो चुके होंगे,
पर तब से मैं यहाँ पे नहीं आया, आज पहली बार आया हूँ। मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बोला था कि इसको, इस पार्क को कवर करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप भी यहाँ पास से हो तो ज़रूर आना। देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है, ये बैम्बू के पेड़। गाइस मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं आपको क्या ही बताऊंगी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, और मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। देखो जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हो जिनके ऊपर पत्ते नहीं हैं, ये सिल्वर बिर्च के पेड़ होते हैं जिनको यूरोपियन वाइट बिर्च भी बोला जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखिए इन पे नन्हे नन्हे वो भी लग रहे हैं, नन्हे नन्हे पत्ते भी लग रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये पेड़ पौधे लगाए हुए। तो देखिए गाइस इस पार्क में एक आउटडोर फिटनेस सेंटर भी है, जिम भी बोल सकते हो आप, देखिए जो कि मेरे ठीक पीछे है। तो हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो केशव भाई भी दिखाता हूँ क्या कर रहा है, देखिए ये भी जिम मार रहा है। रुक रुक अब मेरी बारी, इधर फोन पकड़। जीन्स में थोड़ी कम हो रही है एक्सरसाइज, पर चलो ठीक ही है, अच्छी है, टाइम काफी कम बचा होगा, 9:41 हो चुके हैं अभी, रहोगी इसको। गाइस ये होता है नुकसान जब हम एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ देते हैं और काफी देर के बाद करने लगे तो ऐसा ही होता है। आपको सच बताऊँ तो मैंने जिम वगैरह कभी नहीं मारी है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, पर कर लिया सब कुछ ट्राई। ये क्या है रे, अच्छा वाओ, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्क में बोला था वैसे आज भी बोलना चाहता हूँ कि जब भी पार्क्स वगैरह में आएँ तो गंदगी वगैरह ना फैलाएं। आप देखो हम आए तो उन्होंने बैग उधर ही ले लिया, अच्छा किया, क्योंकि अगर बैग लाते तो कुछ खाने पीने वाला होता तो खा पी के लोग इधर ही फेंक देते हैं। ऐसे हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए, केयरलेस नहीं बनना चाहिए। बाकी देखिए साफ़ सुथरा पार्क है तो कितना अच्छा लग रहा है, अगर यहीं पर कचरा पड़ा होता तो क्या मज़ा आना था यार। जैसे कि आपको पता है हम पूरे पार्क में घूमे, अभी थोड़ा छाया में बैठ लेते हैं इसकी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्मी भी आ रही है तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पसीना भी पड़ चुका है। तो गाइस यहाँ पे हम बैठे हैं, जो मेरे पीछे पेड़ है इसकी छाया में, देखिए अगर पेड़ लगाएंगे तभी हम छाया में बैठेंगे, पेड़ ही नहीं होंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो ये जो मेरे पीछे पेड़ है इसका नाम शायद पाइनस डेवोनिया, पता नहीं कुछ ऐसा नाम होता है इसका। तो गाइस काफ़ी
ठंडी छाया है इसकी भी। पर गाइस मेरे को एक शिकायत है, इतना अच्छा पार्क है, थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा देनी चाहिए यार, क्योंकि जब धूप वगैरह होती है तब इंसान यहाँ पे आए और इन पेड़ों की छाया में बैठे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे हम तो गांव में रहने वाले हैं, हमें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ मिल जाते हैं छाया में बैठने के लिए, पर जो लोग शहर में रहते हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में घर के अंदर ही कैद हो के बैठे रहना। तो थोड़ा पार्क्स वगैरह हों ऐसे दो चार सिटी में, तो लोगों को भी जो डिप्रेशन का शिकार हुए होते हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और वैसे भी सारे इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पे एक पॉन्ड भी बना है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे स्विमिंग या फिर बोटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, बोटिंग नहीं बाथिंग, गाइस यहाँ पे स्विमिंग और बाथिंग अलाउड नहीं है। और ये देखिए आप देख सकते हो मेरे पीछे गाइस एक और दोस्त आया है, तो मिलाता हूँ उससे कि कौन है वो। आजा बे आजा, तेरा इंतज़ार था, ये पिछली वाली बस में आया इसलिए थोड़ा लेट हो गया बेचारा। भाई हाय कर दे, लेट क्यों हो गया तू, देखो पता था ना आज भी नहीं। तो बस ही रहेगा यार, क्या करना। तो एंट्री करने दी, अभी टाइम होने वाला ना बंद होने का, बाहर बोलते 5 मिनट। अच्छा अच्छा, अरे कहाँ देखे तूने वाइट फूल, वाह। वो दोनों चले गए पीछे फोटोग्राफी करने और मेरे पास टाइम कम है, 10 मिनट बचे हैं सिर्फ, और 10 मिनट में आपको पूरा पार्क दिखाना है। अभी तो शायद आधा ही हुआ होगा, तो इसलिए मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने की। तो किस प्रकार से एंट्री बनाई है ये, मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो हम अभी इसके नीचे चलते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये बैम्बू के पेड़ के साथ पूरा ऐसे करके बनाया है। ओ मेंटेनेंस का काम चल रहा है पूरा, तो गाइस फ्लावर तो नहीं मिल रहे मेरे को। गाइस यहाँ पे भी देखिए ये पानी के अंदर कोई फ्लोटिंग फ्लावर्स लगाए हुए हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो बता दें, बाकी चलते हैं। गाइस यहाँ पे पत्थर वगैरह लगा के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, और ये है जहाँ का जॉगिंग ट्रैक देखिए, बाकी पीछे कुछ इस तरह से है नज़ारा, काफ़ी सुंदर है। जो कि पार्क के गार्ड हैं उन्होंने बोला कि अभी टाइम हो चुका है, तो जो पार्क बचा है मैं वहीं पे चल रहा हूँ अभी, जो आपको नहीं दिखाया, बाकी वाले वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं जो मेरे साथ आए हैं। तो यहाँ पे फूलों को तोड़ना भी मना है, जो कि हर एक पार्क में होता है। बाकी बैठने के लिए देखिए, गाइस ये के बिरला जी का स्टैचू बना हुआ है, तो इनका जन्म 1918 में हुआ था पिलानी में, और इनकी डेथ हुई थी 2008 में कोलकाता में। तो ये काफ़ी फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, और जो इनका स्टैचू है ये CTM जो कि चेनाब टेक्सटाइल मिल कठुआ में है उसके द्वारा बनाया गया, और ये पार्क भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो गाइस अभी पार्क हो चुका है बंद, हम आ चुके हैं बाहर, तो अब हम पार्क के बाहर आ चुके हैं, तो मास्क लगा लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह मैं जल्दी आ गया था घर से, तो अभी मैं चाय का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इसलिए चाय पीने चलते हैं, कोई चाय वाली दुकान ढूंढते हैं
वैसे एक सामने भी है, यहीं पे चलते हैं, हर एक जगह ट्राई करनी चाहिए। तो लेट्स गो। गाइस मैं घर आ चुका हूँ। आप देखिए मेरे पीछे आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। इधर वहाँ पे तो कठुआ में तो काफ़ी गर्मी थी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।